हेलो माय डियर स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट के इंग्लिश के यूनिट नंबर सिक्स का लेसन नंबर फोर एवरीडे थिंग्स आज हम समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों एवरीडे थिंग्स यानी रोज़ाना की चीज़ें एवरीडे थिंग्स ऐसी चीज़ें इसमें हम देखेंगे बच्चों जिसे हम रोज़ाना डेली एवरीडे देखते हैं यूज़ करते हैं देते हैं और लेते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको नंबर वन देखना है ठीक है नंबर वन रीड एंड टेल एंड राइट रीड टेल एंड राइट पढ़ो बोलो और लिखो थिंग्स यू ईट यानी चीज़ें जो तुम खाते हो फॉर एग्जाम्पल राइस चपाती है ना और भी आप बहुत सारी चीजें जैसे दाल वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड नट्स एटसेट्रा ठीक है तो ये थिंग्स है दैट यू ईट ठीक है बच्चों नेक्स्ट देखिए थिंग्स यू ड्रिंक चीजें जो तुम पीते हो जैसे मिल्क जूस और भी हम यहां लिख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक है ना कोल्ड ड्रिंक कोकोनट वॉटर कोकोनट वॉटर लस्सी एक्सेट्रा थिंग्स यू वेयर चीजें जो तुम पहनते हो जैसे टाई सॉक्स टी शर्ट पैंट शर्ट स्वेटर एटसेट्रा, थिंग्स यू यूज़ चीज़ें जो तुम इस्तेमाल करते हो जैसे स्पून की पेन पेंसिल स्लेट बैग एटसेट्रा ठीक है बच्चों थिंग्स यू कैन मेक चीजें जो तुम बना सकते हो यू कैन मेक अ गारलैंड यानी हार पेपर बोट फ्लावर्स रैबिट पेपर एरोप्लेन एटसेट्रा इस तरह की बहुत सारी चीजें बच्चों दैट यू कैन मेक थिंग्स यू हियर जिन्हें तुम सुन सकते हो ऐसी चीजें जैसे डोरबेल टिंग टोंग ऐसी आवाज आती है मोबाइल फोन स्पीकर्स लैपटॉप रेडियो टीवी एटसेट्रा थिंग्स यू कैन स्मेल चीजें जिन्हें तुम सूंघ सकते हो हम पढ़ते ना आई स्मेल विथ माई नोज मैं अपनी नोज से स्मेल करता हूँ है ना वो सेंट फ्लावर और क्या है बच्चों डिओ आपने डिओ लगाया होगा है ना टेलकम पाउडर इसकी भी स्मेल हम सूंघते हैं और क्या है बच्चों जिसे हम सूंघ सकते हैं थिंग्स वी कैन स्मेल डी है टेलकम पाउडर है एट्सट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम सूंघ सकते हैं थिंग्स यू केयर फॉर ऐसी चीज़ें जिनके आप केयर करते हो जैसे योर पेट एनिमल तुम्हारे पेट एनिमल बुक और बैग अपने बैग की हम केयर करते हैं वाटर बॉटल या सिर्फ बॉटल इसके हम केयर करते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म की हम केयर करते हैं एट्सेट्रा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम केयर करते हैं प्यारे बच्चों ये तो मैंने आंसर्स आपको बताए आप अपने हिसाब से भी और आंसर्स बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर टू है प्यारे बच्चों लिस्ट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द थिंग्स गिवन अबोव ऊपर जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी है जैसे थिंग्स यू ईट थिंग्स यू ड्रिंक थिंग्स यू वेयर थिंग्स यू यूज थिंग्स यू कैन मेक और थिंग्स यू हीयर थिंग्स यू कैन स्मेल थिंग्स यू केयर फॉर इनके और एग्जाम्पल आपको देना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल सोचना है देन चूज एनी वन एग्जाम्पल और किसी एक एग्जाम्पल को आपको चूज करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक को चूज कर लिया ठीक है एंड राइट वन और टू लाइन्स अबाउट इट और इसके बारे में आपको टू oh, लाइन्स या वन लाइन लिखना है जैसे आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स आई लाइक रीडिंग बुक्स बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस ठीक है जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है देखो आई ईट राइस मैं राइस खाता हूँ इट इज़ वाइट सॉफ्ट एंड टेस्टी ये वाइट सॉफ्ट और टेस्टी होता है आई ईट इट हॉट मैं इसे गर्म ही खाता हूँ या आप डोर बेल के बारे में बोल सकते हो आवर डोरबेल गोज डिंग डोंग यानी हमारे डोरबेल की आवाज़ डिंग डोंग आती है ट्रिंग वैन यू प्रेस द बटन जब आप बटन प्रेस करते हो तो डोरबेल की आवाज़ आती है ट्रिंग इस तरह से तो यहां पर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए हूं आपको जस्ट रीड करना है और साथ साथ में सीखना है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए प्यारे बच्चों टीवी ठीक है वी वॉच टीवी वी वॉच टीवी हम यहीं से इसे शुरू करेंगे तो ये यह मैं यहां पे ये देखिए वी वॉच टीवी हम टीवी देखते हैं वी वॉच वीडियोज ऑन टीवी हम टी वी पर वीडियोज देखते हैं वी प्ले गेम्स ऑन टी वी हम टीवी पर गेम्स खेलते हैं या आप टॉयज के बारे में बोल सकते हो वी प्ले विद द टॉयज वी लाइक टॉयज आवर पेरेंट्स गिव us न्यू टॉयज ऑन our birthdays। या एक यहां पर ब्लैंक है आपके लिए मैंगो तो आप मैंगो के बारे में बोल सकते हो Mango is the national fruit of India. My favorite fruit is mango. I like mangoes इस तरह से ठीक है आपको ज़्यादा से ज़्यादा sentences बोलना है thank you